अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? अल्लाह के फजल करम से हैरियत से होंगे। तो सुबह खैर, सुबह का टाइम है और हमारा जो है ना दूसरा या तीसरा शायद दिन है। तो आज हमने जाना है बहुत ही दूर, जो लास्ट अमाउंट है ना वहाँ हमने आज जाना है। सुबह का टाइम हुआ है और टाइम भी शायद 6 या 7 का टाइम है। तो अभी हम निकलेंगे तो 3-4 घंटे का सफ़र है, उसके बाद हम माउंटेन पर ऊपर जाएंगे। तो स्नो भी स्लो स्लो आज हो रही है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अब मेरे जो दोस्त हैं ना वो सब रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गया हूँ आज के लिए। तो बकाया सफ़र पर हम निकलते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा और इंजॉय कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। ये आप देख सकते हैं स्नो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम गए भी नहीं और स्नो स्टार्ट हो चुकी है। आहो तो साहब, बैल भी आ गया, स्नो भी हो ला पीजे। ये देख लीजिए, स्नो स्टार्ट हो चुकी है, बर्फबारी जिसको बोलते हैं ना, बर्फबारी। और अब हम वो भी जा भी रहे हैं ऊपर। ये जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, जो हमारे दिल की ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो गई। जो जो ख्वाहिश थी हमारे दिल की पूरी हो गई। वो मैं भी चला पे। अब हमारी जो गाड़ी है वो जा रही है, अब हम दूसरी जगह जाएंगे। जाहिर किधर जाना है आज साहब, किधर जाना है? हम अभी जा रहे हैं कलाम। हाँ, बहरीन से होते जाएंगे, और अगर मौसम चले जाएंगे छोटा माउंटन नहीं था, मगर ओके इंशाल्लाह नहीं था। चलो आ गया वो शाकार जिसका था इंतजार। शाका था ले जस्ट पस्त ने बकी ने बटाता हम ना पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और स्नो फॉलिंग हो रही है। अब हम वहाँ जाएंगे, स्नो फॉलिंग हो रही है इंशाल्लाह, और बहुत ही ऊपर अहीं बड़े उत्ते जा रहे हैं। जरा ऊंचाई चढ़ के ये देखिए, और वहाँ लास्ट अमाउंट पर हमने जाना है। लास्ट अमाउंट पर वहाँ स्नो फॉल हो रही है, यहाँ भी स्लो स्लो हो रही है। ठीक है, पैसे ना कर रहे बटने जो दिल गलती कर बैठा है। बोल गवारा क्या होगा, ये देखिए बारिश नो। अभी हम अभी भी बहुत दूर है हम तेरे। ये देखिए कितनी मुश्किल से हमारी ड्राइविंग हो रही है। खान बाबा ड्राइविंग कर रहे हैं और पीछे इतनी ज्यादा ऊंचाई है। जी हम पहुंच चुके हैं यार, जो है ना ये हमारे साथ फौजी अपने अपने काम पर मसरूफ है, और मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ यार, मोबाइल पकड़ना। तो मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा चढ़ाई है और आगे रास्ता भी जो है ना बंद है। स्नो फॉलिंग हो रही है, स्लो है, मोबाइल में नहीं नजर आएगी आपको, लेकिन ऊपर तो ऊपर हम जा रहे थे वहां तो रास्ता जो है ना। अब ये देखिए इस जगह से रास्ता ब्लॉक, हमारा रास्ता है और ये रास्ता ब्लॉक हो गया। और ये आप देखिए माशाल्लाह, हमारे खुदा की कुदरत, ये देखिए स्नो फॉलिंग। जिंदगी को वैसे इंजॉय करें, फिरते तुरते खुशबास रहें
और जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करें, हर जगह जाएं। आप भी यहाँ का विजिट कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। ये मड़ी नहीं है, ये स्वात है, स्वात वैली में यहाँ बहुत ही मशहूर मशहूर चीजें हैं, वहाँ का हमने विजिट किया है। तो आज हमारा तीसरा दिन है, तो ये हमारे आज साहब हैं। कोई गलबात ही सुना दियो, कौन सी? कोई भी, कौन सी? कोई भी बोलो ना। मैं कौन सी बोलूं? हाँ यार, ऐसे नहीं करते, अकेले अकेले नहीं खाती, अकेले अकेले नहीं खाती, अकेले अकेले नहीं खाती। बदले पाला लगता पे आए। अब हम जिनके जिनके साथ आए थे ना हान बाबा, उनके पास मैं जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि इधर आप आए स्नो फॉलिंग की तरफ, क्योंकि यहाँ जो बड़ा था ना हार्ड है, हार्ड मीन बहुत ही हार्ड। इसके ऊपर मेरे शूज भी खराब हो जाएंगे, न्यू शूज। ये हमारी खान बाबा, इनके साथ 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 गए हमें, ये फिरा रहे हैं पूरा स्वात वैली। और नीचे जो है चश्मा ही चल रहा है। ये है चश्मा, माशाल्लाह, इससे ज्यादा ऊपर हम नहीं जा सकते। अभी जो है ना सब मेरे दोस्त अपनी अपनी पिक्स कैप्चर कर रहे हैं, और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, और वहाँ फरहान भाई जो है ना घर वालों के साथ कॉल कर रहे हैं। यहाँ जी साहब है, इन्होंने फेसबुक में जो है ना ऑफ जो लाइव वीडियो ना वो स्टार्ट की है। मुझको तो ठंड बहुत लग रही है यार, इधर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो बर्फ है ना वो हार्ड है। ये इसको हाथ मैंने लगाया है, लेकिन ये देखें ये थोड़ी सी आ रही है, हार्ड है बर्फ। अब हम सर्दी हो रही, ये देखें सेम सेम ड्रेसिंग। अब हम वापस जा रहे हैं, उमर भाई उनको बर्फ मार रहे हैं, ठंड बहुत है, वो नहीं आ रहे, और हम जा रहे हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं। आजो बदर, दिल गार्डन गार्डन, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, मैं तो कम रहा हूँ बहुत ज्यादा। सर्दी भी बहुत है, तो दर्जा भी दो हो गया, दर्जा तो बहुत फांडे वाला है। जट साहब ने किया है कि एक लेज ले के आओ, मैं लेज लेना शॉप है इस जगह पर, इस जगह पर ओनली वन शॉप। यहाँ से लेज लेकर जा रहा हूँ काशिफ के लिए। अब हम वहाँ से आ गए हैं नीचे, ये जो है चश्मे इस जगह पर, अब हम चश्मे की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे सब दोस्त जो है ना अपनी अपनी पिक्स खींच रहे हैं, इनको जो है ना तस्वीरों के अलावा और कुछ नहीं आता। चश्मा चल रहा है और इधर भी, मैं अब जाता हूँ वहाँ। अब ये नीचे जा रहे हैं जट साहब, पानी बहुत ठंडा है। उमड़े एंजॉय करो लाइफ को। भाई अभी तक मुझे याद है जो मैं कश्मीर में बकरा से गिरा था ना, मेरी अभी तक 1.1 मिलियन व्यू था उसको, 1.1 मिलियन था। वहाँ ये पानी बह रहा है वहाँ चश्मा, और ये उमर साहब सीट है लगे हैं। अब इस जगह पर भी पिक्स हमने खींच लिया है, तो अब पता नहीं है किधर जाते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। अब हमारा खाने का टाइम हो गया है, ये हमारी जनता है, जनता का राज। तो जी हमारा जो है ना खाने का टाइम हो चुका है, लंच आया है हमारा, वक्फा बराए लंच। तो अभी हम खाना खा के नीचे आ रहे हैं पैदल सफर कर रहे हैं कलाम वैली। आप थोड़ी देर बाद हमें सीधा मंदिर पे देखेंगे, जहाँ पे हम जाएंगे एक समंदर के किनारे। हमारी गाड़ी नीचे चली गई है, और अब हम जो है ना पैदल सफर कर रहे हैं, खाना खाया ना इसलिए पच पुच जाए। इस टाइम यहाँ का माहौल बहुत ही ठंडा, कूल कूल, और यहाँ पे बच्चे जो है ना अपने स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। ये बच्चे स्कूल से पढ़ कर आए हैं, ऐसा करता है। तो जी अभी हम जो है ना एक दरिया है उसके ऊपर से ये उन्होंने बनाई है जगह, और वहाँ हम अपना विजिट कर रहे हैं। यार बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं इस जगह के, और बहुत ही मज़ा आया इस जगह में। ये पुल है, पुल सारे इसका बना है, लोहे का पुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हाँ जी हाँ जी भरा बोलन दा शादी चल जी पी ओ कजन की शादी है मैं भी उथे हाँ ओके तो जी अब हम पहुंच चुके हैं वाड़ी अड्डे। इसके बाद पता नहीं कब किधर कब कहां जाना है। और ये हमारे मलक साहब है अपनी मौत से कोई बशर नहीं समान तो बरस का पल की खबर नहीं। अच्छा हम पूछते हैं इंटरव्यू लेते हैं कैसा रहा। अच्छा आपका सफर कैसा रहा ये सवाल का नज़ारे थे माशाल्लाह और बहुत ही अच्छे लोग थे। सबसे पहली बात बहुत ही अच्छे लोग वाकई बात असर है बहुत ही अच्छे लोग थे बहुत ही अच्छा उनका बिहेवियर था। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया और ना ही उनको हम उनसे कि पैसों की लालच थी और ना ही किसी और चीज़ की। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया जो चीज़ हमने मांगी कुछ नहीं लाखी से 10 बार मांगी 50 बार मांगी उन्होंने मिली। बस यही कहूँगा कि नज़ारे तो अच्छे थे लोग इससे भी ज़्यादा अच्छे। शुक्रिया। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा रहा हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। गाँव में याद रखिएगा अल्लाह भी कुछ मुलाकातें अधूरी रहेगी कुछ बातें अल्लाह भी अल्लाह भी फिर मिलेंगे बाय 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 मैं कहना पिछले पैदल बहने ओके खुदा हाफिज। अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। Yes, we are going to Islamabad now. तो जी अब हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आज यहां ही ठहरेंगे। आज की जो रात है यहां ही होगी और सुबह इंशाल्लाह फैसल मस्जिद जाएंगे। ये है ना इस्लामाबाद है और ये मेरे फौजी खड़े हुए हैं इस जगह। तो जी हमने ये रूम लिया है शादी करके लाया हूँ इसका तेल चो है जी। तो वक्फा बराए लंगर ये हमें उन्होंने रूम दिया इधर वीडियो कॉल चल दी पी है। हेलो हेलो डिलीट कर नहीं हमको ये करवाना नहीं। वो हाजी साहब हैं ये टीटू साहब हैं ये बदर साहब हैं और हम साहब ये हैं। ये रूम में हमें उन्होंने साबन दी है हिसाब बचा बच्चे बच्चे शीशे का भी लिया शीशा ओके गाइस खुदा हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा। बंदे ब्रेंड का आज दिन तो आज याद रखो।